नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट कराते हैं कि झारखंड में 32 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और जो छापेमारी का क्रम है लगातार जारी है। अब आपको बता दें कि ये जो मामला है ये शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। अब आपको बता दें कि रांची समेत देवघर, गोड्डा, दुमका सहित जिलों में जो है छापेमारी जारी है और ये जो छापेमारी जो चल रही है ये शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। पहले जो है अवैध खनन से जुड़ा मामला था, अब उसके बाद जमीन घोटाला से जुड़ा मामला और अभी जो है शराब घोटाले मामले से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। यानी कि ईडी जो है फुल एक्शन मोड पर आ गई है और लगातार जो है छापेमारी इस मामले पर कर रही है। ये सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो है उनके आवास पर छापेमारी की जा रही है ईडी के अधिकारियों के द्वारा। यानी जो डॉक्टर रामेश्वर उरांव के जो पुत्र है रोहित उरांव, उनसे जो है ईडी जो है पूछताछ कर रही है। यानी शराब कारोबारी जो है योगेंद्र तिवारी, उनसे जो है कनेक्शन की बात की जा रही है, इसलिए जो है ईडी जो है लगातार जो है वहाँ छापेमारी कर रही है और छापेमारी करके और वहाँ के कागजात जो है खंगाले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस छापेमारी में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। पूरे मामले पर झारखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। छापेमारी पर उन्होंने कहा है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। देखिए, ईडी लगातार इस तरह की कार्रवाई गैर भाजपा शासित राज्यों में करती रही है और एक बार फिर से झारखंड में ईडी ने दस्तक दिया है। ईडी को पहले ये क्लियर करना चाहिए कि किस मामले में ये जांच चल रही है, छापेमारी हो रही है। ईडी सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से बताती है कि शराब घोटाले में हो रही है। कभी माननीय मंत्री जी के आवास को बताया जाता है, कभी माननीय मंत्री जी के ऊपर छापेमारी बताई जाती है, कभी उनके बेटे के ऊपर बताई जाती है। जहां तक माननीय मंत्री जी का सवाल है, यह सर्वथा अनुचित है और गलत है कि उनके एक्ट पे कोई सवाल खड़ा करे। और बाकी अगर कोई वो मामले की जांच कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ईडी अपनी जांच करती है, उससे हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन टारगेट करके सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे मंत्री को बदनाम करने के लिए अगर इस तरह की कोई साजिश रची जा रही है तो इसका हम लोग डटकर विरोध करेंगे। कल की तारीख है, मुख्यमंत्री को ईडी ने दोबारा बुलाया है, जानकारी मिल रही कि आपने भी कहा है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। नहीं, देखिए, जिस तरह से जब कोई चीज की अति हो जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पहले ईडी को सहयोग किया, बावजूद ईडी अब फिर से एक बार बुला रही है और वो कब बुलाती है, जब 15 अगस्त को झंडा फहराना होता है माननीय मुख्यमंत्री को, उसको 14 अगस्त को उनको बुलाया जाता है। एक क्योर्स क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है कि सरकार अस्थिर हो सकती है, मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, इस तरह की के सगुफे भी छोड़ेगा, ऐसा नहीं है। और मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से इस तरह की बातें बताई गई, तो ऐसे में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को दरवाजा खटखटाना चाहिए न्यायालय का। जब भी अन्याय सर चढ़ के बोलता है तो निश्चित रूप से न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। झारखंड में जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है और ईडी कार्रवाई के दौरान जो है आज जिस तरह से छापेमारी की जा रही है, ये एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन जिस तरह से झारखंड में एक साथ 32 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, एक बड़ी खबर झारखंड से। अब देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। दर्श न्यूज़ के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।